बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी होम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। रिवायतों की लज्जत में आपको खुशामदीद कहते हैं। रिवायतों की लज्जत एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे हमने ऑर्गेनाइज किया है उन लोगों के लिए जो खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। पाकिस्तान के खाने जो हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, हट के होते हैं और मज़े के होते हैं, और हमारे जो देसी खाने उनका तो अपना ही एक अंदाज़ है। तो हम अपने इस रिवायती प्रोग्राम में आपको वो सारी रेसिपीज सिखाते हैं जिसे आपने कहीं खाया होता है या तो फिर जिसे आपने किसी रेस्टोरेंट में ट्राई किया होता है और आप मिस कर रहे होते हैं कि वो वाला जायका जब हम घर में ट्राई करते हैं तो क्यों नहीं आ पाता। पाकिस्तान के अगर खानों की बात की जाए तो कश्मीरी चाय बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसी के अलावा बलोची टिक्को का भी अपना ही मज़ा है। और जहाँ हैदराबाद का नाम आता है तो हैदराबाद की खट्टी दाल को हम कैसे भूल सकते हैं, और वहीं जो मेमनी खाने हैं उनका भी अपना ही एक मज़ा है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपनी शेफ़ को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो हमारे किचन में क्या बनाने वाली हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट, हटके और यूनिक है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ हिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हिना आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छी। हिना, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। मैं आज बना रही हूँ मेमनी खट्टी दाल, यानी दालचा, जिसे हम लोग कहते हैं दालचा। अच्छा, मेमनों की स्पेशलिटी है ये। अच्छा, तो आप मेमन हैं? नहीं, मैं मेमन नहीं हूँ। तो फिर ये रेसिपी आपने कहाँ से सीखी? ये मैंने अपनी नेबर से ही सीखी थी। अच्छा, नेबर से सीखी थी। उनके घर से आया होगा, आपने खाया होगा, आपने ट्राई किया होगा, आपको बहुत मज़े का लगा होगा, फिर आपने उसको ट्राई किया या उनसे रेसिपी पूछी? जी, मैंने उनसे रेसिपी नहीं पूछी, मैंने उसको टेस्ट करके मैंने खुद से बनाया था, इसलिए कि मैं खुद एक शेफ हूँ। अच्छा जी, तो जब आपने उसको घर में बनाया तो आप कामयाब हो गई? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें भाई, तो हिना से पूछते हैं कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। तो हिना, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करने जी, वाले हैं? जी, हमने सबसे पहले ये लाल दाल, पीली दाल, चने की दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया था, टमाटर डाल के ना। ठीक है, चने की दाल और कौन सी दाल ली है? चने की दाल, पीली दाल, लाल दाल। ठीक है, इसको हमने बॉईल किया था, टमाटर, हल्दी और जीरा डाल के बॉईल कर दिया था मैंने। इसका लुक आप देख सकते हैं, ये काफ़ी हद तक अच्छी तरह बॉईल हो चुकी है। तो इसमें हमने और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे? नहीं, अभी हमने इसमें कोई स्पाइस ऐड नहीं करे। ठीक है, इसमें अब हम इसका मसाला जो है ना, और दालों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है? जी, इक्वल क्वांटिटी में लेंगे हम चने की दाल, लाल दाल और पीली दाल को इक्वल क्वांटिटी। अच्छा, चने में की दाल और लाल दाल, मसूर की दाल कह रही हैं आप? मूंग की दाल। मूंग की दाल जी, और पीली वाली? पीली वाली मूंग की दाल और लाल वाली मसूर की दाल। ठीक है, तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेंगे। इक्वल क्वांटिटी में लेंगे और पानी में डाल के इसको हम सिर्फ टमाटर और जीरा हल्दी डाल के सिर्फ बॉईल करेंगे। ठीक है, डन हो गया। जब ये अच्छे से बॉईल करना है, गल जाए अच्छे से, इतना बॉईल करेंगे अच्छी तरह गल जाए। अगर आपको चाहते हैं इसके अंदर हम गोश्त भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, फ्लेवर चेंज करने के लिए। मैंने इसमें गोश्त ऐड नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल सी बॉईल हो रही है। इसके बाद हम थोड़ी सी पानी डाल के इसके अंदर हम सब्जी डाल के बॉईल कर इसको कुक करने रख देंगे और इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल्स इसमें कौन सी ऐड करनी है? अभी दाल बॉईल होगी, इसमें कुछ ऐड करना है हमने? अभी हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। अच्छा, पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था हिना ने, और पानी जो है वो उसका कम हो गया है, थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो और ज्यादा इसमें हमने पानी ऐड किया क्योंकि हम इसमें वेजिटेबल्स डालने वाले हैं। जी, वेजिटेबल्स में हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं? वेजिटेबल्स में हम गाजर और आलू लेंगे। अभी फिलहाल हम ये डालेंगे इसके अंदर ताकि ये गल जाए। गाजर और आलू की क्वांटिटी मुझे बता दें आप। ये मैंने एक, यानी कि समझ लें, 250 ग्राम गाजर लिए हैं और 250 ग्राम पोटैटोज लिए हैं, आलू लिए हैं। इसके अंदर हम ग्रीन बीन्स लेंगे, ये वाले, ये अभी हम नहीं यूज़ करेंगे, जब ये गल जाएगा उसके बाद लास्ट में डालेंगे, इसलिए ये जल्दी कुक हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो गाजर और आलू जो है उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए उसको हमने पहले से ऐड कर दिया। ठीक है, डन हो गया। तो अब इसको कवर करके रख देंगे? जी, थोड़ी देर कवर करके रखेंगे ताकि ये गल जाए। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इधर मसाला बना रहे हैं इसका, दालचा का। ठीक है, मसाला डालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या ऐड करने वाले? इसमें हम सबसे पहले ऑयल यूज करेंगे। ठीक है, ऑयल कितना जाएगा? हाफ कप। हाफ कप ऑयल जाएगा। ठीक है, और मसाले कौन कौन से ऐड करने हैं मैं आपको पास करती जाऊँ? आप मुझे कड़ी पत्ता दें। ठीक है, ओके, ये ले लें।
ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसके अंदर कड़ी पत्ता जो है ना फ्लेवर, और इसका फ्लेवर और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तड़का टाइप का बन जाता है, एक तड़का हम दे रहे हैं इस तरह के। वैसे मुझे तो लगता है कि हमें हर खाने में ना इसको यूज़ कर लेना चाहिए, मुझे इसका फ्लेवर जो है पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी बन रहा हो, इवन बिरयानी भी बन रही हो, दाल भी बन रही हो, तो इसमें हम ये ऐड कर देते हैं, इसका अपना ही टेस्ट है, अपना ही फ्लेवर, अपना एक अरोमा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अगर हम इसकी कहते हैं वाइट बिरयानी, आजकल बहुत इन है, उसमें भी हम यूज़ करते हैं इसे। अच्छा, ये गोल लाल मिर्चें हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, खूबसूरती भी आएगी और स्पाइस भी ठीक अच्छा है। कितनी ऐड की है आपने? मैंने 7 to 6 ऐड की है। ठीक है, 6 to 7 हमने इसमें होल जो रेड चिलीज होती हैं वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं। स्पून चाहिए आपको? नहीं नहीं। अच्छा, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सफ़ेद जीरा यूज़ कर रहे हैं, समझ लें भगार भगार बन रहा है एक तरीके से तड़का उसका। पहले सफ़ेद जीरा मैंने ऐड किया है, ठीक है। दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर रही हूं छोटा, दालचीनी इसमें ऐड होगा। उसके बाद काली मिर्चें ऐड कर रही हूं, ठीक है। काली मिर्चें भी जो हैं वो साबित इसमें ऐड हो रही हैं जी, ठीक है। और क्या जाएगा अब इसके अंदर? हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, मैं स्पून दे दूं आपको, ये ले लो। थैंक यू जी जनाब। तो इसमें अब ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जा रहा है, 1 teaspoon ऐड किया हमने जी, 1 teaspoon। ठीक है, अच्छा ये आप ये क्या सीक्रेट चीज़ है ये बताएं? ये है हरा धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट है। अच्छा, धनिया और मिर्चों का पेस्ट बना लिया है, वाओ जबरदस्त। अब ये पेस्ट हम आपको स्पाइस के हिसाब से, आप जितना स्पाइसी रखना चाहें, तो आप रेड चिली कम कर दिएगा। अच्छा, मैं ग्रीन चिली का फ्लेवर ज्यादा रख रही हूं। ठीक है, ग्रीन चिली का वैसे अपना ही फ्लेवर होता है, अगर तो कुछ और ये नुकसान नहीं देती है ग्रीन चिली जितनी रेड चिली इंसान को नुकसान देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, आपको पता है कि वो रेड चिलीज ना बिल्कुल ऐड नहीं करते, वो सिर्फ ग्रीन चिलीज में ही खाना बना रहे होते हैं, क्योंकि वैसे भी उसका आपको पता है अपना ही फ्लेवर आता है, और इसकी जो खुशबू है मिर्चों की वो आना स्टार्ट हो गई है जैसे ही हिना ने इसको ऑयल में ऐड किया है। मसाले कंप्लीट हो गए इसके, और कुछ ऐड नहीं है अभी इसमें। हम है ना इसको थोड़ा सा कुक कर रहे हैं, ताकि देखें आप इधर आए, इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन का रेड के साथ कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा लग रहा है। दिखा सकते हैं नाज़रीन को इसका कलर कितना मजे का लग रहा है, ग्रीन और रेड का ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है। हमारी जो शेफ़ है वो यही बताना चाह रही हैं कि देखें, खूबसूरती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही बात है कि खाना देखने में भी अच्छा होना चाहिए, तो इसको बनाते हुए जो है खूबसूरत भी तो बनाएं, ताकि देख के दिल चाहे। अच्छा जी, मैंने दाल में सॉल्ट ऐड नहीं किया था, तो मैं मसाले में ऐड कर रही हूँ नमक। अच्छा, ये बात कितनी सच है कि अगर दाल को हम बॉईल करते हुए उसमें सॉल्ट पहले से ऐड कर देंगे तो दाल को गलने में प्रॉब्लम होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंसान का कॉन्सेप्ट है, दाल तो फौरन गल जाती है। अच्छा, अगर इसमें हम मसाले या सॉल्ट भी ऐड कर दे तो कोई मसला प्रॉब्लम नहीं आती है। ये मैंने हल्दी यूज कर रही हूँ। हल्दी यूज होगी, हल्दी कितनी ऐड की आपने? 1 teaspoon यूज करी है मैंने। 1 teaspoon हल्दी, रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर कितना चाहिएगा आपने? ग्रीन चिलीज भी ऐड की है, तो 1 teaspoon यस 1 teaspoon रखेंगे, ठीक है ओके। अच्छा जी, धनिया पाउडर मैंने यूज किया है इसमें 1 teaspoon धनिया पाउडर भी इसमें किया है, ओके जी। स्पाइसेस कंप्लीट हो गए जी हमारे स्पाइसेस। आप इसको कितनी देर तक पकाना है? इसको अभी हम इतना पकाएंगे कि इसका मसाले का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर हम इसके अंदर इमली का प्लम ऐड करेंगे, ठीक है। इमली का पल्प हमारे पास है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। मसाला हिना यहाँ पे भून रही है, हिना हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जब तक आप मसाला भून रही है। तो जनाब कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही मज़ेदार सी हटके रेसिपी बन रही है, जल्दी से जाएँ ब्रेक पे और जल्दी से वापस आ जाएँ। और आज जनाब तो ब्रेक से वापस आ गए हैं, हमारे किचन में आज मौजूद है हिना, और हमारे किचन में जो बना रही है बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी जिसका नाम है दालचा। और आज मुझे बताएं हिना, हम लोग कहाँ तक पहुँचे? अच्छा जी, अब हमने ये मसाला देखिए हमारा भुन गया है, रेडी है। अब इसके अंदर हम इमली का प्लम ऐड कर रहे हैं,
ठीक है, इमली का जो पल्प है वो इसमें से इसको सोक कर दिया था, इसके बीज इसमें से निकाल लिए थे, एंड देन जो मसाला बन रहा था वो जब अच्छे से भून गया तो इमली का पल्प उसमें ऐड कर दिया हमने। आप सोचो इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी है, इतने अच्छे से स्पाइसेस इसमें गए हैं और इमली भी इसमें जा रही है, तो क्या ही चटपट सी ये रेसिपी बनेगी। ये ग्रीन बीन्स हैं ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, ग्रीन बीन्स भी इसमें चले गए, मसाला भी तैयार है, है ना। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, खुशबू इतनी अच्छी सी आने से आना शुरू हो गई। मुझे बताएं घर में ये रेसिपी जब आप ट्राई करती हैं, डिश जब बनाती हैं, तो घर वालों को कितनी पसंद आती है और क्या आगे से आपको कमेंट्स मिलते हैं? कमेंट्स सब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे देते थे, उनकी ये फेवरेट दाल जाती है। अच्छा, असल में अब ये कि मेरे जब बनाती हूँ ना तो नेबर ज़रूर आते हैं कि अच्छा। यार अपना हमारा खाना ले लो, अपनी दाल दे दो। अच्छा, वाह ज़बरदस्त। तो देखे ना, वही तो बात है कि दाल और सब्ज़ी जो है उसको बहुत बोरिंग समझते हैं, तो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होती। बोरिंग नहीं, वैरायटी लाएं थोड़ी सी। इसकी जो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होती हैं, रिवायती रेसिपीज़, तो कैसे अच्छी नहीं बनेगी, कैसे मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो आपकी नेबर्स जो होती है, मतलब इसका मतलब हिना जो है वो दाल इतने मज़े की बनाती हैं कि उनकी नेबर्स कहती हैं कि भाई हमें दाल दे दे थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा मसाला रेडी है, तो हमने बीन्स अभी डाले हैं, थोड़े से ये कुक हो जाएं, तो हम इसके अंदर देखें आप, इसके अंदर हमने ये हमारी दाल रेडी है। देख सकते हैं कि कितनी मज़े की येलो रेड और ग्रीन का ये जो कॉम्बिनेशन है, देखने में भी बहुत ही मज़े की लग रही है, खाने में भी बहुत ही मज़े की होगी, वो तो मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, खुशबू भी अट्रैक्ट करती है आपको खाने की तरफ, कि अगर आपका खाने का दिल नहीं कर रहा और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है तो आप ज़रूर ट्राई करते हैं, और जब ट्राई करते हैं और टेस्ट मज़े का होता है, जायका मज़े का होता है, तो फिर आपका हाथ नहीं रुकता और खाते रहते हैं। लेकिन हाथ को थोड़ा सा रोक के रखना है, मोटे नहीं होना बहुत ज़्यादा। लेकिन हम मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको बताते जाएंगे, आप अपने किचन में ट्राई कीजिए और हमें फीडबैक कीजिएगा। हेना का मसाला जो है वो तैयार हो गया है जी। जी, ये मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जनाब देख सकते हैं, वो जो मसाला हिना ने बनाया था वो तैयार हो गया है, और वो जो दाल है जिसको हमने बॉईल किया था, फिर वेजिटेबल्स जो हैं वो उसमें ऐड कर दी थी, इमली का पल्प था, बहुत ही मज़े का मसाला भुना था, और वो सब इसमें चला गया है। हिना मुझे ये बताएं कि किसके साथ इसको सर्व किया जाता है, राइस के साथ इसको या राइस के साथ भी सर्व करते हैं, और ज़्यादातर लोग हैं ना जो मेमन होते हैं वो कड़क रोटी जिसे कहते हैं कड़क बन, उससे ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ी सी ना ग्रेवी वाली है, मैंने देख के ये अंदाज़ा लगाया, तो इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। है ना, ये क्या कर रही हैं आप? ये इस पर हम थोड़ी सी गार्निशिंग डाल रहे हैं। नाइफ देंगे मुझे? बिल्कुल। है ना, मुझे एक और बात आपसे पूछनी थी कि क्या वजह है ऐसी जो पहले के लोगों के खानों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता था और खुशबू इतनी मज़े की होती थी कि किसी एक घर में कोई खाना बन रहा होता था रिवायती खाना, तो गली मोहल्लों में उसकी खुशबू चली जाया करती थी, लेकिन आजकल जो है वो ऐसा नहीं हो पाता, तो क्या वजह है? असल में आजकल का वक्त ऐसे कि लोग कहते हैं ईजी टू कुक हो जाए, बस हम बस पैकेट लें और फौरन डाल दें। मेहनत एक वो चीज़ होती है, मेहनत सिल पर पीसना, मसाले बनाना, वो नहीं होता आजकल। तो आपको लगता है कि पहले के लोग मेहनती होते थे? मेहनती होते थे तो ये काम कर लेते थे, ताज़ी ताज़ी चीज़ें बनाया करते थे, तो जाहिर सी बात है कि खुशबू भी उतनी ही मज़े की आया करती थी, जो आजकल नहीं आती है, जो आप मिस करते हैं। मसाले हम बहुत ज़्यादा फ्रीज करके रख देते हैं, पहले के ज़माने के लोग जो हैं वो मसाले उसी वक्त जो थे उनको जो भी चाहिए होता था उसी वक्त वो मसाला बना देते थे। क्या ऐड कर रही हैं? ये हमने ज़ीरा पाउडर है, मैंने ये इसको पीस के रखा है। अच्छा जी, अगर बहुत से लोग पहले कहते हैं चॉपर में डालते हैं, ब्लेंड कर देते हैं, इसको पहले आप थोड़ा सा भून लें और पेपर बिछा के इसको बेलन से रोल कर लें। अच्छा, तो उसका फ्लेवर और अरोमा दूसरा होता है। ठीक है, ज़बरदस्त। तो देखें बहुत ही आसान से तरीके हैं और हाथों से होने वाली चीज़ें, कोई ब्लेंडर अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बस इसको आराम से जैसे कि हिना ने बताया कि भून लें ताकि उसका एक अपना फ्लेवर आ जाए, एंड देन उसको पेपर में रख के और रोल कर लें अच्छे से। देखिए हमारी दाल रेडी है, और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, दाल ये तैयार है, हम दिखा सकते हैं हमारे देखने वाले नाज़रीन को कि कितनी मज़े की ये दालचा जो है वो रेडी हो गया है। अगर किसी से रेसिपी मिस हो गई है, इंग्रेडिएंट्स मिस हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, तो कुछ नहीं करना, रेसिपी कार्ड की तरफ जाना है, रिव्यू करना है और जल्दी से वापस आ जाना है।
मेमनी दालचा, अज्जा, मसूर की दाल 1/4 कप, मूंग की दाल 1/4 कप, चने की दाल 1/4 कप, बड़े का गोश्त 200 ग्राम, लौकी 1 कप, गाजर 1 कप, आलू 1 कप, सेम की फली 1 कप, हरा धनिया 1 गड्डी, करी पत्ता आधी गड्डी, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, टमाटर 3 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत जीरा 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद, दालचीनी 1 अदद, काली मिर्च 6 से 8 अदद, इमली का गूदा 3 बड़े खाने के चम्मच, नमक हसबे जायका, तेल 1 कप। तरकीब: गोश्त को अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उबाल लें, फिर इसमें दालचीनी, जीरा, करी पत्ता और टमाटर डालकर तमाम दालों को इतना उबालें कि वो गल जाएं, फिर दालों को ब्लेंड कर लें। अब दालों में उबला हुआ गोश्त और सब्जियां डालकर पकाएं, जब सब्जियां गल जाएं तो चूल्हा बंद कर दें। भगाड़ के लिए पैन में तेल डालकर इसमें करी पत्ता, जीरा, गोल लाल मिर्च और हरा मसाला पेस्ट डालकर पकाएं। 5 मिनट पकाने के बाद इसमें गरम मसाला और इमली का गूदा शामिल करके और थोड़ी देर पकाएं, फिर ये मसाला दाल में शामिल कर दें। मज़ेदार मेमनी दालचा तैयार है। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से वापस आ गए हैं। जिनसे रेसिपी मिस हो गई थी, आई एम श्योर अब उन्होंने भी नोट डाउन कर ली होगी। इसी के साथ ही हिना हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनका दालचा कहाँ तक पहुँचा है। जी हिना बताइए। जी ये हमारा दालचा कंप्लीट तैयार है। ठीक है, इसको हम अभी चावल के साथ सर्व करेंगे बस। ठीक है, चावलों के साथ हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मजेदार सी खुशबू आ रही है। कलर आप इसका देख सकते हैं कि कितना मजे का कॉम्बिनेशन है, रेड, ग्रीन, येलो, सब कुछ मिक्स एंड मैच लग रहा है। और वो बच्चे जो दाल और सब्जियों से दूर भागते हैं, तो बोरिंग सी दाल और सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, इस तरह की नई नई वैरायटीज़ आप लेकर आएँ, तो वो बच्चे जो नहीं खाते वो भी बहुत ही शौक से खाएंगे। इसी के साथ ही हम इसको सर्व कर रहे हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी फाइनल लुक लेकर आएंगे। अच्छा, आपने जब रेसिपी कार्ड के रिव्यू के लिए गए थे हम लोग, तो आपने यहाँ पे राइस भी बना लिए। जी मैंने राइस तैयार करके रखे हुए हैं। इसको राइस के साथ जैसे दाल चावल खाते हैं इसी तरह खा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर जो है वो चावल भी बना लिए थे। ये मैं हेल्प कर दूँ आपकी? बस इतना जी, बस सर्व करने के रख दें इसको। जी हो गया, डन है। 1 मिनट। ठीक है, थोड़ी सी मिर्चें इसके ऊपर डाल देते हैं ताकि मिर्चों का जो कलर है वो ऊपर से आ जाए। हाँ जी, तो हम अच्छा वैसे ही ना मुझे ये बताएं कि इसमें क्या बॉयल अंडे भी शामिल कर सकते हैं? नहीं नहीं, इसमें बॉयल अंडे नहीं जाएंगे। ठीक है, और चावल भी सर्व करने हैं हमने? जी चावल भी सर्व करने हैं हमें। तो हम चावल भी थोड़े से सर्व कर लेते हैं। हमारे पास दूसरी ट्रे नहीं है यहाँ। चलें ठीक है, इसी में सर्व कर लेते हैं दाल और चावल का ये जो कॉम्बिनेशन है मज़ेदार सा। हाँ, तो हम जो है वो मखनी दाल की बात कर रहे थे, मुझे उसका बताएं। दाल की जो बात कर रहे थे, कौन सी? हांडी दाल। हांडी दाल, उसमें कौन सी दालें जाती हैं? इसमें माश की दाल हम यूज करते हैं, माश की दाल और पीली दाल को बनाते हैं उससे। ठीक है, प्रोसेस इसी तरह ही है, बस उसका मसाला थोड़ा सा चेंज होता है। अच्छा, प्रोसेस इसी तरह का ही है। हांडी में पकाएंगे, ठीक है, और वो थोड़ी सी थिक होती है रोटी के साथ, और मक्खन उसके ऊपर सर्व करते हैं हम थोड़ा सा। अच्छा, ताकि वो खूबसूरत लगे। ठीक है, ये हमारी दाल खा सकते हैं कि हमारी जो डिश है वो तैयार है। कितनी मज़ेदार सी ये देखने में लग रही है, खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। मुझे लगता है कि जब आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो आप खुद देखना कि इतनी अच्छी खुशबू होगी, आपके घर वाले पूछेंगे भाई आज कौन सी ऐसी खास चीज़ बन रही है। मुझे ये बताएं कि आपको हमारे इस प्रोग्राम में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके। उम्मीद है कि मैं आगे फिर आऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसी के साथ ही हिना आप जो है वो दालों की चीज़ें बता रही थी, दाल और सब्जी की जो वैरायटीज आप लेकर आती हैं, क्या इस तरह है कि कोई हम बच्चे जो हैं दाल सब्जी नहीं खाते तो उनको स्नैक्स में कोई पाव भाजी भी ला सकते हैं हम? दाल की मतलब सब्जियों के साथ बनते हैं पाव भाजी है, पाव भाजी के कबाब बनते हैं, काफ़ी वैरायटीज हैं जो बच्चे हैं ना अवॉइड करते हैं। आजकल के बच्चे जिंगर
और बर्गर पे ही महदूद हैं, वो सब्जी और वेजिटेबल से भागते हैं। अगर हम उनके अंदर वेरिनेशन पैदा कर दें या नई वैरायटीज ले आए तो बच्चे क्यों नहीं खाएंगे। बस बात इतनी है कि हम उसको यूटिलाइज करने का तरीका भूल गए। बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ही मैं आपसे ये पूछ रही थी कि स्नैक्स में कोई ऐसी चीज़ है जो हम आप बता सकें, जो आपको आती हो, कि जो बच्चों को इजीली हम दे सकते हैं शाम के टाइम पे? जी ज़रूर दे सकते हैं। आप है ना बहुत मेहनत नहीं करें, वेजिटेबल्स बॉयल कर लें, उनको बॉईल करके चॉपर में आलू और चिकन के साथ मतलब चॉप कर लें, उसमें बहुत स्पाइसी डालें अपने से ब्लैक पेपर और सॉल्ट का यूज़ करें सिर्फ, उसके बाद उसके कबाब बना लें, शेप्स दे दें जो बच्चे को शेप पसंद है। अच्छा इसमें है ना बहुत से लोगों को ये होता है कि आलू डाला या ये फट जाएंगे ऐसे हो जाएंगे, तो ज़रा सा कॉर्नफ्लोर का ऐड कर लें, ज़रा सा कॉर्नफ्लोर डाल दें ताकि वो आपके हाथों हल्का सा ग्रिप अच्छी हो जाएगी। ऑयल हाथ पे लगाएं, उसके शेप्स दे दें आप उसको, ब्रेड क्रम लगा मैदे में कोट करके फिर आप अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्रेड क्रम लगा के डीप रोस्ट भी कर सकते हैं, ताकि आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं नाज़रीन के हिना ने कितनी मज़ेदार सी रेसिपी बना दी कि अगर आपके बच्चे जो है वो दाल और सब्जी से दूर भागते हैं तो स्नैक्स में आप ये बना के उनको दे सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी वेजिटेबल्स हो, मौसम जिस वेजिटेबल का हो वो हो गया, मीट का पोर्शन इसमें ऐड करके उसके कबाब बनाएं, उसको डीप फ्राई करें और बच्चों को स्नैक्स में दे दे बाहर की चीज़ों से, तो अच्छा है कि आप अपने घर में बच्चों को बनाकर ये सब चीज़ें दें। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। दिल तो नहीं चाहता लेकिन क्या कर सकते हैं, मुख्तसर सा ये वक्त होता है। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हमारी आज की रेसिपी को इंजॉय कीजिए, आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नए शेफ़ और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।